फिल्म की शुरुआत वीडियो गेम स्क्रीन से होती है और फिर 7 बजते ही कोई सीरियल किलर किसी के इनकमिंग कॉल चेक करने के बाद लीडिंग कैरेक्टर रॉय की जान लेने की कोशिश करता है। पर रॉय के इतने आसानी से हत्यारे के सारे वार डॉच करने के बाद हमें रॉय पर लगे श्राप का पता चलता है कि उसके लिए ये सेम दिन 138 बार रिपीट हो चुका है और हर बार कोई उसकी जान लेने की कोशिश करता है, चाहे वो जितना भी कोशिश कर ले, पर मरने के बाद वो मरते ही इस एंडलेस लूप में लौट आता है जहाँ फिर से सेम घटना एग्जैक्टली सेम तरह से घटती है। यदि वो एक ही जगह रहा तो दूसरा कोई ना कोई सीरियल किलर उसे ब्रूटली ढेर कर देता है, इसलिए हमेशा शार्प टाइम पर उसे निकलना ही पड़ता है। हमेशा सेम बंदे की कार हाईजैक करने के बाद मिनी वैन में 2 लड़कियां उसकी जान के पीछे हाथ धोकर लग जाती है। वहीं अगर वो उनसे बचते दौरान केयरफुल नहीं रहा तो आगे वो उस बस एक्सीडेंट में भगवान के हवाले हो जाता है और फिर पूरा लूप फिर से रिस्टार्ट हो जाता है। शुरुआत के 14 अटेम्प्ट्स के बाद वो जंप को परफेक्ट कर सका, वरना उससे पहले वो बहुत बुरी तरह से कुचला जाता था। पर 14वें अटेम्प्ट में सफलता से कूदने के बाद पैम की गैंग ने उसे ढेर कर दिया। 59वें अटेम्प्ट में जब वो कुछ देर ज्यादा सर्वाइव कर पाया तो एक और सीरियल किलर कॉल्ड गुनियान ने उसका सिर कलम कर दिया। 88वें अटेम्प्ट में काबूम किलर ने उसके चीथड़े उड़ा दिए। 93वें अटेम्प्ट में वो डुप्लीकेट के हाथों मारा गया और फिर 104वें अटेम्प्ट तक वो सभी को एलिमिनेट तो कर सका, पर वो कुछ भी कर ले अंत में उसका वही हशर निकलता है। 48वें में जब वो किसी तरह अपने लव ऑफ लाइफ जैमा तक पहुंचने की कोशिश की तो उसे उसके बॉस वेंटर से पता चला कि अब वो नहीं रही, जिसके तुरंत बाद वो ट्विन ब्रदर्स के हाथों मारा गया। सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह है कि उसे सांस लेने तक का समय नहीं मिलता ये पता करने के लिए कि आखिर जैमा की मौत कैसे और उसके साथ ये क्यों और कैसे हो रहा है। और फिर फिल्म उसके करंट लूप की तरफ मुड़ जाती है। चेज बाय पैम बस एक्सीडेंट सर्वाइव करने के बाद भी दोनों हार मानने का नाम नहीं लेती, कोई कसर नहीं छोड़ते उसे हंट करने के लिए, जैसे उस पर मरा लाने के लिए इनाम रखा हो किसी ने। पर एक बार फिर वो ही उन पर भारी पड़ने में सफल रहा। इसके तुरंत बाद वो हमेशा एक रेस्टोरेंट जाता है जो एकमात्र जगह है जहां उसे कुछ समय मिलता है अपने गम को दारू में डुबोने के लिए। पर वहां भी सेम सिक्योरिटी सर्वेलेंस एक्सपर्ट डेव अपनी स्किल्स के डींगे मारना और जेक का भी एग्जैक्ट समय पर 12-time चैंपियन चाइनीज स्वॉर्ड फाइटर सीफू फेंग की एंटर करने पर उसकी तारीफ करना। पर फिर 12:47 होते ही वो पल आता है जिसके पार वो कभी सर्वाइव ना कर सका, चाहे वो जितना भी कोशिश कर ले, पर रेस्टोरेंट से बाहर कदम रखते ही वो किसी न किसी के हाथों मारा जाता है, इसलिए उसने ट्राई करना भी छोड़ दिया। पर अब वो और नहीं सह सकता, उसे जिसने भी इसमें फंसाया उसे उससे बदला लेना होगा, इसलिए अपने उस दिन का पल याद करने लगता है जो एंडलेस लूप के ठीक एक दिन पहले उसके साथ घटी थी, जब उसे जैमा ने इंटरव्यू के नाम पर उसके रिसर्च लैब इनवाइट किया था। हमें यह पता चलता है कि कुछ समय पहले रॉय और जैमा क्लोज रिलेशनशिप में थे और उन्हें एक बेटा भी हुआ, पर रॉय रिलेशनशिप में कभी कमिटेड नहीं था, इसलिए उसने जैमा से कभी क्लोजनेस बनाई नहीं रखी। वही रॉय एक्स डेल्टा फोर्स ऑफिसर था, पर जैमा ने उसे सीक्रेटली बताने की कोशिश की थी कि वो अपने बॉस के लिए वर्षों से टाइम बेंडिंग मशीन पर काम कर रही है जिसका गलत प्रयोग करने पर धरती का विनाश भी हो सकता है, पर उन्हें खबर नहीं कि उसका बॉस वेंटर उनकी बातें सीक्रेटली सुन रहा होता है। इसलिए पता चलने पर कि जैमा ने रॉय से क्लासिफाइड जानकारी शेयर की तो अपने सिक्योरिटी ऑफिसर ब्रेड को दोनों पर सर्वेलेंस और असैसिन्स हायर करने का आदेश देता है इन केस वो उनके लिए खतरा साबित हुए। जैमा भी अचानक में किसी कारण से उसका हेयर सैंपल कलेक्ट करती है और उसे याद दिलाती कि उसने कुछ दिन पहले उसके लिए गिफ्ट भेजा था। जब तक जैमा को बॉस से बुलावा आता है वो उसे कोई ओसायरिस वर्ड बोलकर निकल जाती है, पर इतने लेक्चर के बाद भी रॉय में तब भी अकल नहीं आई, वो फिर से उसी डेंटिस्ट के साथ मौज मस्ती में बिजी हो गया जो हर लूप में हमें नजर आती है। एक और सरप्राइज की उसी समय उसे जैमा का कॉल भी आया था जो काफी टेंस और रॉय का सैंपल किसी कैप्सूल डिवाइस में इंसर्ट करते उसने उसे बताने की कोशिश की थी कि वो कुछ गंभीर करने जा रही है और यदि कुछ हुआ तो उसे वही करना होगा जिसमें वो तेज है, पर वेंटर उसे हर कदम मॉनिटर कर रहा था, इसलिए धोखेबाजी का पता चलने पर इससे पहले कि रॉय को कुछ समझे उसने नेटवर्क को ब्लॉक कर दिया था, इसलिए नादान रॉय तभी नहीं समझ सका कि जैमा किसी मुसीबत में थी और वो अपने प्लेबॉय हरकतों में मग्न हो गया और अगली सुबह होते ही वो तभी से इस एंडलेस लूप में फंस गया। अब फिल्म करंट समय की तरफ मुड़ते हुए उसे तुरंत जैमा का दिया गिफ्ट याद आता है जिसके आखिरी पन्ने पर एक नोट और वही ओसायरिस शब्द लिखा होता है जो जैमा ने उसे उस दौरान कहा था, पर इससे पहले कि वो कुछ समझे वो भूल गया होता है कि वो अब भी एंडलेस लूप में है, इसलिए एक ही झटके में असैसिन के हाथों मारा जाता है। अब 142 अटेम्प्ट में अपने रूटीन सर्वाइवल के संघर्ष के बाद वो सबसे पीछा छुड़ाने के बाद खुले आसमान में बैठकर किताब को पढ़ने ही पड़ता है कि एक और असैसिन उसे स्टैब करके घसीटते हुए शहर
शहर की सैर पर ले जाता है। पर अगले लूप में वो सबसे बचते बचाते अंडरग्राउंड गेमिंग रूम में छिपकर बुक को समझने लगता है, पर बुक में लिखी एंशियंट बातें उसके पल्ले नहीं पड़ती। फिर वहीं उसे उसका बेटा जो नजर आता है, जो स्कूल बंक करके गेमिंग करने निकला होता है। पर जब रॉय उसे लेकर बाहर निकलता है तो वो नोटिस करता है कि वो इस बार कुछ और मिनट ज्यादा सर्वाइव कर गया और असैसिन्स के नजरों से भी बचा रहा। उसे तभी चमकता है कि रेस्टोरेंट मेटल से कवर्ड और गेमिंग पार्लर अंडरग्राउंड होने के कारण असैसिन्स उसे ढूंढ नहीं पाए, पर बाहर निकलते ही उन्होंने उसे ढूंढ लिया। इसका मतलब कि वो उसे ट्रांसमीटर से अब तक ट्रैक कर रहे थे, पर तब तक देर हो चुकी होती है और वो अपने बेटे को बचाते वक्त मारा जाता है। पर अगले लूप में जगते ही तुरंत सबसे पीछा छुड़ाने के बाद सर्वेलेंस एक्सपर्ट डेव की मदद से दांत में फिट किया ट्रांसमीटर खोज निकालता है, जिसके पीछे जरूर वही डेंटिस्ट थी, इसीलिए उसके सेल फोन पर ब्रेड का कॉल आ रहा था। अब जब उसे एक बड़ा क्लू मिल गया इस लूप में सर्वाइव करने के लिए, इसलिए इस लूप में मरते ही वो अगले लूप में सबसे पहले अपने ट्रांसमीटर को उखाड़ फेंकता है, जिससे कोई भी असैसिन उसे ट्रैक नहीं कर पाता। और इस बार वो खुद सभी को एक एक करके हंट करता है और उनका लीडर ब्रेट और वेंटर का पता चलने पर अब वो सीधे लैब की तरफ निकल पड़ता है। पर फैसिलिटी हाईली सिक्योर्ड, वो जितनी बार भी कोशिश कर ले वो हर बार मारा जाता है। किसी तरह फैसिलिटी के अंदर पहुंच जाने पर भी वो लिफ्ट से ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाता, और जब वो इवेंचुअली लिफ्ट से आगे भी निकल जाता है तो उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा गुनिया उसे हर बार एक ही वार में हेडलेस में बदल देती है। पर एक लूप में जब उसकी जान गुनिया के वार के कारण धीरे धीरे जाने लगती है, इस बार वेंटर अपनी शक्ल दिखाता है और उसे लंबा भाषण देता है, जिससे अब सबसे बड़ा क्लू रिवील होता है कि वेंटर का प्लान अपने टाइम मशीन कॉल्ड ओसायरस स्पिंडल के मदद से इतिहास और मिस्टेक्स को बदलने का है, ताकि वो भविष्य को कंट्रोल कर सके और अपने तरह के धरती का निर्माण करे, जिसका वो करता धरता होगा। पर जेमा को इसका पता चल गया था, जिसने ये होने नहीं दिया, इसलिए उन्हें उसकी जान लेनी पड़ी। और अब उनका रॉय का जान लेने के बाद अगले लूप तक रॉय को समझ जाता है कि वो वेंटर के ओसायरस स्पिंडल में ट्रैप्ड है, और वेंटर को खुद खबर नहीं कि उसका मशीन सच में काम करता है, कि रॉय सच में एक एंडलेस लूप में फंसा हुआ है। जेमा ने उसकी सैंपल की मदद से मशीन को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वो फाइनली जेमा के उस किताब का मतलब भी समझ जाता है कि इस केस में जेमा यहाँ पे ओसायरस है, जिसने उसे यानी कि आइसिस को रिजरेक्ट किया। उसने उसे जानबूझकर एंडलेस लूप में ट्रैप किया, ताकि वो तब तक सेम दिन जी सके जब तक उसे रियलाइज ना हो कि उसे वेंटर को रोकना है। पर इसे अचीव करने के लिए उसे गुनिया को हराना होगा, इसलिए अगले लूप में वो तुरंत स्वॉर्ड फाइटिंग चैंपियन सीफू फैंग को उसे ट्रेनिंग देने के लिए मनाने में सफल हो जाता है। हालांकि सीफू फैंग के लिए ये एक दिन की ट्रेनिंग है, पर रॉय डजन से भी ज्यादा बार लूप को रिपीट करके उससे सारे स्वॉर्ड फाइटिंग पैतरे सीख लेता है, और इवेंचुअली इनफ कॉन्फिडेंस मिलने के बाद इस बार वो गुनिया पर भारी पड़ता है, जिसके बाद अगला शिकार ब्रेड बनता है। वेंटर को भी अपने कदमों पर झुकाने के बाद वो अब उसे रिवील करता है कि उसका मशीन सच में काम कर गया, इसीलिए आज वो एंडलेस लूप में फंसा हुआ है। पर ये जानने के बाद वेंटर अपने मशीन की एक सबसे बड़ी कमजोरी शेयर करता है कि यदि वो एंडलेस टाइम लूप में ट्रैप्ड है तो इसका मतलब कि मशीन लंबे समय से चल रहा है, जिससे वो इवेंचुअली अनस्टेबल होकर अंत में धरती का विनाश हो जाएगा। वो उसके बेटे की जान के लिए भी उसे धमकाता है, पर जब तक रॉय उसे खत्म करके जो को बचा सके, वेंटर के लोगों ने उसके बेटे की जान ले ली होती है, और उसके तुरंत बाद मशीन के प्रकोप में धरती का भी विनाश हो जाता है। अब अगली बार उठने पर रॉय पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि एक तरह से उसी के कारण जो और जेमा की जान गई और धरती भी नष्ट हो गया यदि वो उनका साथ नहीं छोड़ता। उसके पास जीने की सारी आशा खत्म हो जाती है, क्योंकि ऐसी रिपीटेड जिंदगी का भी क्या फायदा जब अंत में धरती नष्ट ही होने वाली है और जिसे रोकने के लिए जेमा भी जिंदा नहीं है। इसलिए कई लूप्स तक वो बचने का प्रयास नहीं करता, पर आखिरकार उसे जीने का एक नया कारण नजर आता है कि वो कम से कम अपने बेटे के साथ कुछ समय तो बिता ही सकता है। और इस तरह कई एंडलेस लूप की मदद से वो जो के साथ कई यादगार पल बिताने लगता है, जिसका अंत हमेशा धरती के विनाश से खत्म हो जाता है। पर फिर एक लूप में रॉय को पता चलता है कि जो को जेमा ने सेम एंडलेस लूप के दिन सुबह कॉल किया था, यानी कि जब तक उसकी नींद खुलती है तब तक जेमा जिंदा होती है। इसका मतलब कि वो अब भी उसे बचा सकता है, इसलिए अगले लूप के शुरू होते ही वो विंड के स्पीड में सभी को ढेर करते हुए लैब पहुंचता है, पर फिर भी फ्यू मिनट से चूक जाता है, क्योंकि तब तक ब्रेट ने जेमा
उसकी जान ले ली होती है। ब्रेड को टॉर्चर करने के बाद वो रिवील करता है कि जेमा ने मशीन को ऐसे ट्विक कर दिया था जो सिर्फ उसके मास से काम करे, इसलिए वो कभी मशीन को ऑपरेट नहीं कर सके। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद रॉय को सबसे बड़ा जानकारी हाथ लगता है कि जेमा की मौत 7:14 पर हुई थी, यानी कि जगने के ठीक बाद उसके पास 14 मिनट है उसे बचाने के लिए। इसलिए बिना समय बर्बाद किए खुद को शूट करके अगले लूप में हेलीकॉप्टर को हाईजैक करके सीधे लैब पहुंचता है और रास्ते के कांटे सारे असैसिन्स को एक ही बार में ढेर करके तुरंत ब्रेट और वेंटर को भी हंट करके फाइनली जेमा को बचा लेता है। जेमा उसे माफी मांगती है कि उन्हें उसे एंडलेस ओसायरिस स्पिंडल में कैद करना पड़ा क्योंकि उसके पास वेंटर को रोकने के लिए और कोई चारा नहीं था। वो उसे क्लियरली कभी बता ना सकी क्योंकि वेंटर के लोगों की उस पर कॉन्स्टेंटली नजर बनी हुई थी, इसलिए उसने मशीन को उसके मास से ट्वीक करके ट्रिगर किया जो उसके मशीन में एंटर करने से ही रीसेट होकर टाइम एक बार फिर रिज्यूम कर सकता है, यानी कि बिना लूप में चले आगे बढ़ सकता है। रॉय से भी अपने बेटे के बारे में इतनी क्लोज जानकारी जानने के बाद उसका दिल भर आता है कि जिस रॉय का उसे इंतजार था, जिससे वो प्यार में पड़ी, वो लौट आया, क्योंकि रॉय ने अपनी सीख सीख ली होती कि हमेशा खुद के लिए नहीं जीना चाहिए, जिस तरह से उसने जो जेमा और धरती वासियों के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। अंत में रॉय सब समझने के बाद उसे आखिरी अलविदा करने के बाद मशीन में चला जाता है, जिसके ट्रिगर होते ही मूवी एंड हो जाती है, यानी कि अगली बार रॉय फिर से उसी दिन जरूर उठेगा, पर उस बार वो दिन अगली बार फिर से रिपीट नहीं होगा। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।